हेलो एंड वेलकम एवरीवन। माय नेम इज़ अंकित भारद्वाज और आज मैं हाजिर हूँ विटामिन्स के साथ। विटामिन्स का मैं थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दूंगा हर विटामिन का, उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगा। विटामिन से एक दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछ ही लिए जाते हैं और मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट मिली, इसलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए। और अगर आपने मेरी इससे पहले की वीडियोस देखी होंगी तो आई होप आपने DMRC स्टेशन कंट्रोलर के एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया होगा। 6-7 क्वेश्चंस उन्हीं से पूछे गए थे, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें आगे आने वाली वीडियोज़ से बने रहने के लिए। और अगर इससे पहले की जनरल साइंस और इलेक्ट्रिकल की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो वो भी देख लें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। विटामिन्स क्या होती हैं? वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि नॉर्मल हेल्थ एंड ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं। अब इनके सोर्सेज क्या होते हैं? मिल्क, फिश, चीज़, ग्रीन वेजिटेबल्स और कुछ एक विटामिन हमारा होता है जो हमें सनलाइट से भी मिलता है, विटामिन डी। ये दो तरह के होते हैं, कुछ फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं, कुछ वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं। फैट सोल्यूबल होते हैं A, D, E and K एंड वाटर सोल्यूबल आर B and C। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन जो हैं B and C, उनकी हमें डेली रिक्वायरमेंट होती है, डेली हमें वो इंटेक करने पड़ेंगे। बाकी अगर हम डेली बेसिस पे नहीं भी लें तो भी काम चल जाता है। देखिए, फादर ऑफ विटामिन्स, जो हमारी विटामिन्स की डिस्कवरी हुई कब हुई? 1912। एंड फादर ऑफ विटामिन्स इज नोन एज कैसेमीर फंक। फंक को कहा जाता है फादर ऑफ विटामिन्स। आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ टाइप्स हैं और केमिकल नेम्स आजकल एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, तो ये टेबल आपको पूरी रटनी ही पड़ेगी। फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं विटामिन A, D, E and K। वाटर सोल्यूबल होते हैं विटामिन सी एंड विटामिन बी। सी को हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। डी का होता है कैल्सीफेरॉल, लेकिन डी भी दो टाइप के होते हैं, D3 और D2। तो D3 को बोलते हैं कोलेकैल्सिफेरॉल एंड D2 को एर्गोकैल्सिफेरॉल। एंड विटामिन ई का केमिकल नेम है टोकोफेरॉल्स और टोकोट्राइनोल्स। विटामिन के इज़ फिलोक्विनोन एंड मैनाक्विनोन्स। विटामिन बी के केमिकल नेम्स हैं B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नायसिन, पायरेडॉक्सिन, पेंटोथेनिक एसिड। पेंटो मीन्स 5, तो आप इसी से इसे याद कर सकते हैं, पेंटोथेनिक एसिड। B7 बायोटीन, फोलिक एसिड होता है B9। नेक्स्ट है B12 को हम तीन नाम से जानते हैं, साइनो कोबालामिन, हाइड्रोक्सो कोबालामिन एंड मिथाइल कोबालामिन। ये कोबालामिन आप याद ऐसे कर सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा विटामिन B2 में क्या पाया जाता है, हमें B12 में पाया जाता है कोबाल्ट, तो इसलिए COBL, यहाँ से आप इस नाम को याद कर सकते हैं। पेंटोथेनिक B5 फॉर पेंटा, जहाँ भी आ जाता है वो 5 को डिनोट करता है, तो इसको आप याद कर सकते हैं। फोलिक एसिड होता है 9 B9, थायमिन B1। इसी तरह से ये टेबल आपको पूरी रटनी ही पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम्स में काफ़ी बार ये साइंटिफिक नेम्स पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ हर विटामिन का। विटामिन ए, इसका क्या होता है, ये हमारे विजन को प्रमोट करता है, नॉर्मल ग्रोथ एंड हेल्दी नर्व फंक्शंस इसमें मदद करता है। इसके सोर्सेज हैं येलो एंड ऑरेंज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, पियर्स एंड ब्रोकोली। तो ये हमें यहाँ यहाँ से मिलता है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? देखिए, जैसे कि ये गुड विजन को प्रमोट करता है, लेकिन अगर इसकी कमी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, जेरोप्थैल्मिया हो जाता है। जेरोप्थैल्मिया क्या होता है? ड्राई हो जाती है हमारी आइज, जो हमारे आंसू होते हैं, जो लिक्विड होता है आइज में, वो ख़त्म हो जाता है, आंखें ड्राई हो जाती हैं, उसे बोलते हैं जेरोप्थैल्मिया, ड्राइनेस ऑफ आइज। अगर ये ज़्यादा हो जाए तो लीवर डैमेज हो सकता है या सेवियर बर्थ डिफेक्ट्स। ये आप अगर एक बार में वीडियो, अगर याद करना मुश्किल है इसलिए मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो 2-3 बार देख लें, ताकि आपको सब कुछ रट जाए। नेक्स्ट है विटामिन डी। इसको सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमें सनलाइट से मिलती है, सनलाइट से। इसके काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, मेनली तो ये हमारी जो बोन्स होती हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाती है, तो बोन्स के लिए इसके आप यहाँ से फंक्शंस देख सकते हैं। सोर्सेज हैं सनलाइट एंड कॉड लीवर ऑयल, एक मछली होती है उसके लीवर ऑयल से भी हमें विटामिन डी मिलता है और सनलाइट से।
सुबह सुबह की रोशनी से, धूप से हमें बहुत ज़्यादा विटामिन डी मिलता है। इसकी कमी से कौन कौन सा क्या होता है? इसकी डेफिशिएंसी से होता है रिकेट्स। रिकेट्स एक बीमारी है जिसमें जो हमारी बोन्स बोन्स हैं, हड्डियां हैं, वो सॉफ्ट हो जाती हैं और स्केलेटल डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं, उसे बोलते हैं रिकेट्स। नेक्स्ट है विटामिन ई। ई का हमारा केमिकल नेम है अल्फा टोकोफेरॉल। फंक्शंस हैं इसके, एजिंग को ये स्लो कर देती है, मतलब आपको जल्दी से बूढ़ा नहीं होने देगी, मतलब दिखोगे नहीं आप, और हेल्दी स्किन एंड हेयर्स इसको प्रमोट करती है। इसके सोर्स हैं नट्स, सीड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। और इस तरह से अगर इसकी डेफिशिएंसी हो तो आपकी मसल वीकनेस होगी एंड डिजनरेशन ऑफ रेटिना। टॉक्सिसिटी से हमारा ब्लर्ड विजन हो सकता है, अगर ज़्यादा विटामिन ई ले लिया जाए तो डायरिया, फैटीग, डिजीनेस, ब्लर्ड विजन। विटामिन के बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ ली जाती है। इसका केमिकल नेम है नेप्थोकिनोन। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होती है। ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है? जब हमें चोट लगती है, कहीं भी हमें कट जाता है कोई हिस्सा, तो वहाँ से ब्लड ब्लीडिंग होती है, खून निकलता है, लेकिन कुछ देर में कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं और विटामिन के की मदद से खून का एक कत्था बन जाता है और खून निकलना बंद हो जाता है, उसे ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन के सहायक होती है। और बोन हीलिंग एंड बॉडी रिपेयर के लिए भी कहाँ से मिलती है? ग्रीन वेजिटेबल्स, लिवर ऑयल। अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो ऑब्वियसली ब्लीडिंग होती रहेगी, फेटल ब्लीडिंग, बहुत ही भयंकर ब्लीडिंग होगी अगर कहीं चोट लग जाएगी और विटामिन के आप में नहीं होगा। नेक्स्ट है वाटर सोल्यूबल विटामिन से हमारे बी एंड सी। ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट कंसेप्ट या क्वेश्चन कह लीजिए, ये पूछा जाता है कि विटामिन B12 ही एक ऐसा विटामिन है जो कि स्टोर हो सकता है कई सालों तक। बाकी जो विटामिन या बी और सी, बी के जितने भी पार्ट्स या सी, ये बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, इसलिए हमें इनकी डेली बेसिस पे रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन B12 ही, B12 ही एक ऐसा विटामिन है जो कि स्टोर हो सकता है सालों तक। नेक्स्ट है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बी की कमी से होता है बेरी बेरी, और सी की कमी से होता है स्कर्वी या एनीमिया। सी के हमारे सोर्सेज सिट्रस फ्रूट्स, जितने भी हमारे खट्टे फल होते हैं वहाँ से हमें विटामिन सी मिलता है। चलिए अब इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिनसे आपका ये पूरा रिवीजन हो जाएगा और जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी तैयार हो जाएंगे। तो फर्स्ट है, द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर विटामिन्स किसने खोज की थी? पहले ही बता चुका हूँ, कैसीमीर फंक। कब की थी? 1912। अब स्कर्वी किसकी कमी से होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी अभी अभी मैंने बताया था, विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट है जेरोक्थैलेमिया इन मैन इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। जेरोक्थैलेमिया बताया था ड्राइनेस ऑफ आइज होता है, आंखों में जो लिक्विड होता है वो खत्म हो जाता है, वो होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट है ऑस्टियोमेलेसिया इन एडल्ट्स इज कॉज ड्यू टू डेफिशियंसी ऑफ। इस ये क्या होता है? ये होता है सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स। हड्डियां जो हैं कमजोर पड़ जाती हैं, तो हड्डियां मजबूत बनाने में कौन सी विटामिन सहायक होती है? विटामिन डी। तो ये किसकी डेफिशियंसी से ये होगा? विटामिन डी की डेफिशियंसी। अगर विटामिन डी हमारी कम होगी तो हमारी हड्डियाँ कमजोर पड़ जाएंगी। नेक्स्ट है कोबाल्ट कंटेन्स विच विटामिन। कोबाल्ट में कौन सा विटामिन होता है? मैंने अभी बताया था विटामिन B12। नेक्स्ट है एस्टेरॉयड विटामिन इज। एस्टेरॉयड विटामिन होता है हमारा डी। ये भी एक रोग होता है जिसमें ये बोन से रिलेटेड है, तो विटामिन डी हमारा काफ़ी मददगार होता है हार्ड बोन्स को मजबूत करने में, इसलिए एस्टेरॉयड विटामिन डी को बोला जाता है। नेक्स्ट है रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B12। B12 हमारा सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता है? गोट लीवर एंड स्पिरुलिना। ये जो लीवर होता है गोट का, वहाँ से सबसे ज़्यादा मिलता है। एक पहला कह रहा है एक डिसीज़ है जो किसकी कमी से होती है? वो होती है निकोटिनिक एसिड एंड B3 की कमी से। इसमें अल्सर टाइप, छाले टाइप के पड़ जाते हैं हाथों पर, ये वो बीमारी होती है।
नेक्स्ट है विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के लिए मैंने अभी बताया था कौन सी विटामिन सबसे ज़्यादा हेल्प मददगार होती है, के। नेक्स्ट है फूड कंटेनिंग लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सिट्रस फ्रूट्स में, खट्टे फलों में, और कहा अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो टोमेटो में भी ये सबसे ज़्यादा मिलता है, टमाटर। नेक्स्ट है केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी भी दो तरह के होते हैं, स्टार्टिंग में मैंने बताया था, एक होता है D3 कोलेकैल्सीफेरॉल, ये होता है D3, और एक होता है D2 एर्गोकैल्सीफेरॉल, ये होता है D2। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज। विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, एक तो हमारा होता है नाइट ब्लाइंडनेस, और पहले ही बता चुका हूँ जेरोपथैल्मिया, ड्राइनेस ऑफ आइज। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और फ्यूचर में आप इसी तरह की वीडियो चाहते हैं कि मैं बनाता रहूं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।